तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, बच्चे इसको जनरली डाउट में लेके आते हैं कभी कभी। तो यहाँ से तुम देखोगे कि द फोर्स एक्ट इन ऑन पार्टिकल, जो एफ एक्स ग्राफ यहाँ से दिया हुआ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ, तो कह रहा है किस पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, सबसे पहले ये समझो इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम वह होता है जहाँ पर नेट फोर्स क्या होता है भाई, नेट फोर्स जीरो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ दैट इज एट पॉइंट x1 या x2 पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, या तो यहाँ या तो यहाँ, ठीक है ना। पॉइंट ए पर या तो पॉइंट बी पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। अब जो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन है, माइनस DU/dx है, समझ में आया। तो अगर यहाँ से तुम फोर्स और तुम देखोगे ये वाली जो F=-DU/dx है, तो इसका मतलब ये हुआ कि DU/dx की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों पॉइंट पे जीरो होगी। लेकिन इससे हमें ये नहीं पता चलेगा स्टेबल है कि अनस्टेबल है। याद करो आप कॉन्सेप्ट पढ़े होगे, स्टेबल अनस्टेबल के लिए डबल डेरिवेटिव करते हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं इसको रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये DU/dx इसको, और इधर माइनस साइन, और DU/dx इसका डेरिवेटिव किसका, DU/dx इस पूरे का डेरिवेटिव करूँगा, तो यह जाएगा D²U/dx² डबल डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव है इस पूरे का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और यहाँ एक माइनस साइन। तो ये जो इक्वेशन है DF/dx जो दिखेगा, DF/dx माइनस D²U/dx² ऐसे दिखेगा, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन। अब जो ये जो DF/dx है यही बताएगा स्टेबल है कि अनस्टेबल है, क्योंकि ये वाला जो इक्वेशन है, ये जो DF/dx है, ये क्या है, स्लोप है किसका, स्लोप ऑफ गिवन कर्व, स्लोप ऑफ एफ एक्स कर्व, एफ एक्स का जो कर्व है उसका स्लोप है। तो अब ये पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा क्या आएगा, यही बताएगा कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, उसी तरह अनस्टेबल और न्यूट्रल और पता चलेगा। तो अब स्लोप देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्लोप देखूँ, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो ए पॉइंट पे x1 पे, तो स्लोप x1 पे के जो कर्व है वो ऐसे है, ठीक ना, ऐसे जा रहा है इस पॉइंट का स्लोप, ये ऐसे, जो कि एक्यूट एंगल है, थीटा इज लेस देन 90, तो टेन की सारी वैल्यू जो है वो लेस देन 90। इसका मतलब ये हुआ टेन थीटा जो है वो सारी लेस देन वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो जो DF/dx की वैल्यू पॉजिटिव है, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी DU/dx ये क्या आ जाएगा, ओवरऑल निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये अगर पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई, ये पूरी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, तो ये निगेटिव साइन आके यहाँ पे। अब जब डबल डेरिवेटिव निगेटिव होता है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को शो करता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो याद करो कि अब थ्योरी में देखो, नोट्स में देखो, मॉड्यूल में देखो, यहाँ से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम शो करता है, मतलब x1 पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। अब ये अनस्टेबल तो पूछा नहीं है, तो x2 को चेक करते हैं। x2 पर स्लोप देखो, तो x2 पर अगर स्लोप देखोगे, तो x2 पर जो स्लोप है, ये वाली जो स्लोप है किसी पॉइंट का, ये वाला पॉइंट, ये स्लोप, ठीक है, दैट इज थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो थीटा ग्रेटर देन 90, और टेन की वो सारी वैल्यू, टेन की थीटा भी ग्रेटर देन 90, वो क्या होती है, निगेटिव होती है, मतलब स्लोप यहाँ पे निगेटिव आ गया। तो स्लोप अगर निगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि DF/dx की जो वैल्यू है, स्लोप निगेटिव आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि D²U/dx² की वैल्यू कितना आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि एक निगेटिव पहले से ही लगा हुआ था। तो अगर ये पॉजिटिव होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है डबल डेरिवेटिव, अगर ये जीरो होता है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, मतलब जो x2 पर है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है और x1 पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। मतलब फाइनली अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो जो ये जो बी ऑप्शन है वो सही है और ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है बाकी, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।